सिवान जिले के अंदर में अलशिफा हेल्थ केयर सेंटर में निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन कराया गया, जिसमें आंख, दांत, पेट, छाती, लीवर, शुगर, किडनी और समस्त बीमारियों का इलाज किया गया। बताते चले कि इस निशुल्क चिकित्सा शिविर में हजारों की संख्या में मरीज पहुंचे और अपने अपने इलाज कराए। इलाज के साथ मरीजों के बीच निशुल्क दवा भी वितरण किया गया। इस मौके पर जिले से अंदर पहुंचे कई प्रसिद्ध चिकित्सकों के द्वारा निशुल्क मरीजों का इलाज किया गया। वहीं इस मौके पर प्रबंधक शाहजादा हुसैन ने बताया कि आगे भी अलशिफा हेल्थ केयर सेंटर में इस तरह के निशुल्क शिविर का आयोजन कराया जाता रहेगा, जिसमें सिवान और आंदर के लोगों का भरपूर सहयोग चाहिए। मार्च 25 मार्च को मैंने इसका ओपनिंग किया और आज निःशुल्क दवा और डॉक्टर, 6 डॉक्टर जो है हर तरह के रोग का 6 डॉक्टर को बुलाए हैं और मैं तत्पर रहूँगा कि ये मुफ्त दवा और इलाज के लिए हर महीने मैं इस अलशिफा हेल्थ केयर सेंटर के प्रबंधक होने के नाते मैं ये शब्द आपके सामने रख रहा हूँ। हम पटना से आते हैं, हफ्ता में यहाँ 4 दिन हम देते हैं यहाँ सेवा, सोमवार से लेकर बृहस्पतिवार तक। और मेरा यहाँ उद्देश्य यही है कि यहाँ के लोग जितने हैं मेरे से सेवा का फ़ायदा उठाएं। हमारी एम है कि जो भी मेरे तरफ से होगा पेशेंट को, हम सेवा के भावना से आए हुए हैं, ठीक है। और हम जहाँ तक तो कोशिश करेंगे कि मेरे यहाँ से पेशेंट ठीक होकर जाए, ठीक है। और हम इसके पहले भी गवर्नमेंट में हम काम कर चुके हैं, ना गुजरात गवर्नमेंट में रहे हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट टीवी अफसर भी रहे हुए हैं, मेडिकल अफसर भी रहे हुए हैं, और गवर्नमेंट ऑफ सऊदीया में हम ये इमरजेंसी रेसिडेंट डॉक्टर भी रहे हुए हैं। और मेरे उद्देश्य पटना छोड़कर यहाँ ना के यही है कि हम यहाँ लोगों को सेवा दे सकें, मैंने सेवा के भावना से ही अंदर बाजार में आए हुए हैं। क्या क्या आप मैंने देख सकते हैं? देखिए, हम यहाँ देखने के लिए जो बच्चे का भी हम देख सकते हैं, स्त्री में का भी हम देख सकते हैं, शुगर के पेशेंट है, ब्लड प्रेशर के पेशेंट है, छाती रोग है या पेट रोग है, सर्जरी से कुछ रिलेटेड चीज़ है वो भी हम करते हैं, तो ये सारी चीज़ हम देखते हैं, ठीक है। हड्डी का भी हम देखते हैं, ऐसा नहीं है। कैंप का आयोजन किया गया है जिसमें बहुत सारे डॉक्टर्स को बुलाया गया है, सिवान से हर विभाग का डॉक्टर यहाँ उपस्थित है। आज वर्ल्ड हेल्थ डे है, 7 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाते हैं। उसी के उपलक्ष्य में जो भी डॉक्टर सिवान से आए हैं, सारे लोग यहाँ के गरीब मरीज जो भी इधर उधर सिवान नहीं जा पाते हैं, गरीब है, पैसा नहीं दिखाने के लिए, हम लोग आए हैं कि उनको घर पर पहुँच के उनका इलाज करें और जो उचित हम लोग के पास दवा है उनको दें और उनकी सेवा करें। मेरा नाम डॉक्टर अनु बाबू है और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। डॉक्टर असलम के बगल में डेंटल सर्जन, दांत से संबंधित जो भी आजकल बीमारी है दवा लेके बाजार से खा लेते हैं, थोड़ा सा भी उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन दांत पे कोई ध्यान नहीं। दांत से संबंधित बहुत सारे बीमारी श्रीनगर से दादा के पास जो है ब्लॉक के बगल में डॉक्टर सफीर अहमद, ठीक है, और आई डिपार्टमेंट में हम और क्या पूछना चाह रहे हैं, किस उद्देश्य से आए हैं? मैं किस उद्देश्य से आया है? हाँ, यहाँ पर कैंप था, विजन टेस्ट करना है, आई देखना है, इस माध्यम से आए। ये आपका अलशिफा जो है हेल्थ केयर के जरिए आए हैं? अभी कहाँ कहाँ रहता है? सिवान में। सिवान में अड्डा नंबर 3 के पास जोरा नर्सिंग होम।